send a comment to my channel and my blog. Good morning. सुबह उठने का मन नहीं होता क्योंकि गर्मी का टाइम में सुबह ही नहीं आता कि क्या करो, सुबह उठना होता है। और आप लोगों को पता है मैं घर में अकेली हूँ तो पूरा ध्यान मेरे को ही देना पड़ता है, और जैसे कि मम्मी पापा के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, 8 बजे तक उनको दवा लेना होता है, इसीलिए सुबह में उठना पड़ता है। चलो फटाक से चलते हैं, बहुत काम होते हैं सुबह में। पहले मैं अपना बेड से निकल, ये बिखरा हुआ है, मैं अपना बेड से निकल मिलती हूँ। मेरे कपड़ा सही हो चुका है और चलती हूँ बाहर। यहीं पे जस्ट एक और रूम है लेकिन यहाँ बेड नहीं ख़राब होता क्योंकि कोई सोता नहीं है ना, इसीलिए बेड ऐसे ही रहता है। तो अभी मैं चलती हूँ फ्रेश होने, फ्रेश होकर फिर आती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अभी मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ और चाय वगैरह बना के पापा को देती हूँ। मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ रोटी और भुजिया, टमाटर की चटनी और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सोयाबीन मैंने तैयार कर ली हूँ, तो बनाते वक्त मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बनाने के टाइम मुझे डर बहुत लगता है, हाथ वाथ हमारे जल जाते हैं, इसीलिए मॉर्निंग में नाश्ता वास्ता बनाकर और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और मॉर्निंग में मैं ये खाती हूँ, ये देखो, 2-4 किशमिश, बादाम, छोटे वाले बादाम, ये मैं इतना खाती हूँ। और खाकर मैं नाश्ता करती हूँ 11 बजे। चलिए फिर मिलती हूँ, बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी हो रही है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। आ गई मैं, पूरा काम हो चुका है मेरा, नाश्ता, घर साफ, सारा कुछ काम हो चुका है। और अभी 11 बज गए हैं, जैसे कि मैं आपको बोली थी कि मैं 11 बजे नाश्ता करती हूँ, तो मैं नाश्ता लेकर अपने कमरे में आ चुकी हूँ। मम्मी पापा नाश्ता करके उधर सो गए, तो अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं अपने कमरे में आ गई। मैं फ़ोन भी चलाऊँगी और खाना भी खा लूँगी, मेरा नाश्ता रहा ये सोयाबीन की सब्ज़ी, ये सुट्टी की सब्ज़ी, भुजिया, रोटी, दही। तो अभी बहुत जोरों की भूख लगा है, पहले मैं खा लूँ फिर आप लोग से मैं बात करूँगी। और खाकर आधे घंटा 1 घंटा मैं आराम करूँगी, फिर नहाकर आप लोग से मिलती हूँ। ओके बाय। आप लोगों को खाना है, खाना है नहीं, आप लोग तो खा लिए होगे है ना। 11 बजे कौन नाश्ता करता है, लेकिन मैं करती हूँ, पूजा शर्मा। चलो फिर मिलती हूँ नहावा कर।